नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी बुक से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर केवल एक कॉन्सेप्ट है कि आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, आपको ये जो गिवन रोम्बस है इसकी एरिया फाइंड करनी है। और एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 d1 × d2, डायगनल फर्स्ट एंड डायगनल सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायगनल AC है और डायगनल BD है। अब इस AC और BD का पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा करके इसकी मेजर फाइंड कर लेंगे, इसकी क्या लेंथ है ये फाइंड हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम इसको एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला 1/2 × d1 × d2 का फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सारे वर्टिसेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है। मुझे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस नहीं फाइंड करनी है, हम सभी जानते हैं इनके और रोम्बस के सारे साइड जो होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है ना। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल है ये नहीं करना है मुझे, हमें इसके डायगनल को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले डायगनल्स के लिए AC के लिए यहाँ पर यह x1 हो गया, x1 = 3 और x2, और यहाँ पर y1 और y2 लगा लें, तो x1 3 हो गया और x2 कितना हो गया -1 हो गया। यहाँ पर y1 0 है और y2 4 है। इससे डिस्टेंस फार्मूला लगा करके AC फाइंड कर लेंगे। AC के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला AC के लिए मेरा जो होगा वो x2 - x1² होगा प्लस y2 - y1² होगा। अब इस पर अपने हम क्वेश्चंस को लगा लें कि x2 क्या है, -1 है, ठीक है। x1 क्या है, यहाँ पर 3 है, इसका होल स्क्वायर फाइंड कर लिया आपने, प्लस y2 आपके पास 4 है और y1 0 होल स्क्वायर, दैट -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पर इसका क्या जाएगा 16 हो जाएगा, और नेक्स्ट का भी कितना होगा 16 होगा, और √32 हो जाएगा। 2 × 4, चलो कर लेते हैं यहाँ पर, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 2 × 32, 2 × 32। देखिए 1 × 2 यहाँ से 1 × 2 यहाँ से, तो 4√2 हो गया, यह इसकी लेंथ हो गई 4√2। इसी तरह से हमें BD के लिए निकालना होगा, तो यहाँ पर x1, x2, y1, y2 मेंशन कर लीजिए, और यहाँ पर इसके x1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और x2 - 2 हो जाएगा, और y1 5 हो गया और y2 1 हो गया। यहाँ पर आप BD फाइंड कर लेंगे, BD के लिए भी फार्मूला ये लगेगा। अब देखिए x2 - x1, तो -2 x1 कितना है, b के लिए 4 है और यहाँ पर x2, तो x2 - 2 हो गया एंड -4 होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर कितना हो गया -2 x2 हो गया और x1 4 है आपने माइनस के फॉर्म में, प्लस y2 के लिए क्या है, यहाँ पर y2 हमारे पास 1 है और 1 से 5 माइनस कर लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, आपके पास आया -2 - 4 - 6² 1 - 5 - 4² आप इसको करते हैं तो 6 × 36 और 4 × 4 = 16 प्लस कर लीजिए 6 × 6 = 12 3 × 1 = 4 and 1 = 5 52 हो जाएगा, ठीक है। 13 × 4 = 52, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, आपके पास यहाँ पर x2 कितना है, x2 - 2 है और x1 4 हो गया, ठीक, -4 लगा दिया। x2 आपके पास y2 यहाँ पर 1 है
y2 1 है और y1 5 है, ठीक। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर इसको लगाया, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, वन माइनस फाइव माइनस फोर, सिक्स सिक्स जै थर्टी सिक्स, फोर फोर जै सिक्सटीन, सिक्स सिक्स ट्वेल्व एंड थ्री वन फोर वन फाइव हो गया, ठीक है ना। क्या करिएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास सिक्स का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर फाइव वन सिक्स थर्टी सिक्स। आई थिंक हम यहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं, यहाँ से इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इसको चेंज कर लो क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स टू, एक्स टू यहाँ पर फोर हो जाएगा और एक्स वन कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस टू हो जाएगा। वाई टू यहाँ पर आपके पास जो हो गया फाइव हो गया और वाई वन यहाँ पर कितना हो गया वन हो गया। अब लगा दीजिए यहाँ पर फोर माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर फाइव और ये वन का है तो फाइव प्लस वन, यहाँ पर फोर टू सिक्स और फाइव वन सिक्स हो जाएगा, तो ये थर्टी सिक्स और प्लस थर्टी सिक्स इसको करेंगे तो सेवेंटी टू आ जाएगा और सेवेंटी टू का स्क्वायर रूट सिक्स रूट टू होता है, यहाँ पर ये रूट हो जाएगा। इसके डायगनल आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। अब जब डायगनल फाइंड आउट कर लिया तब आपने यहाँ पर लिखना है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस के लिए क्या जाएगा, वन अपॉन टू डी वन इंटू डी टू, ठीक। वन अपॉन टू डी वन क्या है आपका ए सी है और डी टू आपका बी डी है, तो वन अपॉन टू ए सी की वैल्यू फोर रूट टू आ गई और यहां पर सिक्स रूट टू स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। अब देखिए यहां से टू टू जा फोर हो गया तो सिक्स टू जा ट्वेल्व और ट्वेल्व रूट टू की मल्टीप्लाई रूट टू से होगी तो ट्वेंटी फोर हो जाएगा, यहां पर ट्वेंटी फोर। फिर से चेक कर ले एक बार, आप ऐसे कर सकते हो सिक्स टू जा ट्वेल्व रूट टू की मल्टीप्लाई रूट टू से करेंगे तो टू आएगा स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट एंड ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर होगा। आपका एरिया ऑफ रोम्बस कितना जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स टू वॉच।